कैसे हैं आप सब। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं विथ मैप हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि शादियों का सीजन है। थोड़े घर में ही शादी थी तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण हम अनअवेलेबल थे। तो प्यारे दोस्तों अब बैक आ गए हैं और कल से जो करंट अफेयर्स आएगा वो 7 बजे से लाइव आएगा। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है नवंबर के करंट अफेयर्स, याद से ध्यान से सुनिए। इसके पहले हमने आपको करंट अफेयर्स दिया था अक्टूबर पूरे महीने का, अब देंगे नवंबर के करंट अफेयर्स। लग जाइए, पूरा करंट अफेयर्स और उसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। सो चलिए, हाल ही में वार्षिक सार अमरतला तोगरे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अब ये नाम देखोगे आप तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये कैसा नाम है। सबसे फर्स्ट अमरतला तोगरे महोत्सव, अमरतला तोगरे, तो तोगरे से याद कर लो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में किस देश के एनजीओ को दिया गया है? विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड इन, एक तरीके से हम बात करें तो लैंगिक पुरस्कार की अगर बात करें, विच कंट्रीज एनजीओ इज गोइंग टू डिलीवर, तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ब्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया? पुष्पा भारती को ब्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। आईएमएफ अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करता है? देश की इकोनॉमिक हालात को देखते हुए बहुत सारे ये एक्शन लेता है। तो ये देखते हुए श्रीलंका को ये फंड दिया जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम, राइट? फातिमा वसीम बनी है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर। इसके पहले एक और विमेन को सियाचिन ही अपॉइंट किया गया है, याद रखिए। हिंट दे देता हूं, कॉल कॉल नाम है उनका, और कमेंट करके बताइए, मैंने बताया भी था। हाल ही में किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मिनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? जावेद अख्तर को। एक से एक गाने लिखे लिखे हैं इन्होंने, जावेद अख्तर को। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने ये अमृत टेक्निक विकसित की है। आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन टॉप पर रहे हैं? सूर्य कुमार। भारत जो है ये सूर्य कुमार, ये आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में है। भारत और कौन से देश मुक्त व्यापार संघ जो समझौता होता है, यानी आप समझ लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ओमान के साथ भारत ने शुरू किया है। आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 नाहिदा अख्तर को वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है। विमेन्स प्लेयर ऑफ आईसीसी विमेन्स प्लेयर नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाएगा नाहिदा अख्तर। किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? भारत। सतत प्रबंधन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, यह जाएगा भारत। सो प्यारे दोस्तों अब आ जाते हैं मैप वाले पार्ट पे, जो आप लोगों को देखना है। और मैप की सीरीज जो है वो लगातार स्टार्ट होगी। हमने अभी जो जो देश से बात की थी ना, जो जो जिन जिन देश की, उसको देखेंगे और समझेंगे। देखो ये है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है, और इसको अगर आप देखोगे तो नीचे का ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये है श्रीलंका। श्रीलंका की दो राजधानी हो जाती है, एक तो हो जाता है कोलंबो, कोलंबो ये है कमर्शियल, ठीक है, और दूसरा हो जाता है श्री जयवर्धनपुर कुट्टे। तो ये जयवर्धनपुर जो है, सीधा याद रखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका कहाँ पे है भाई, देख लो, इंडियन ओशियन इसका नाम भी है एक्चुअली। इसे आप देखोगे तो इंडियन ओशियन का ये पूरा पार्ट ही था, बहुत सारे देश इसमें पहले थे। पुराने भारत को अगर आप देखोगे, अफगानिस्तान ईरान तक था, है ना, ये सारा इंडिया ही था। तो ऑलमोस्ट था, मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। सबसे जरूरी चीज है आपको इन बगल के पड़ोसी देशों को याद रखना। तो अब एक और बगल पड़ोसी देश को देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ो पढ़ाओ समझो। ये हो जाएगा आपका भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। करेंसी हो जाएगी यहाँ की टुग्रिक। क्या करेंसी है भैया? टुग्रिक करेंसी है ना, भूटान की करेंसी याद रखिएगा टुग्रिक है, टुग्रिक। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका। श्रीलंका की हमने राजधानी देखी थी, जो राजधानी तो दो है, लेकिन वहां की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी, राइट। अभी वहां क्राइसिस भी आ गया था, 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर, और ये चीज आप समझ रहे हो। तो म्यांमार की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बर्मा। लाओस की क्या हो जाएगी? वियतनामे। थाईलैंड का क्या हो जाएगा? राजधानी कंबोडिया की राजधानी, वियतनाम की राजधानी, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ये सारे राजधानी और करेंसी आपको भारत के पड़ोसी देशों की तो याद कर ही लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
सो देरी नहीं करना है, सारी चीजों को सीखना है। भारत को अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखोगे मैप, तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार, जो कि ये आ जाएगा आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड से एकदम ठीक से बगल से स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो कि इस एरिया के व्यापार से जोड़ता है। अगर ये कोई बंद कर दे, जैसे भारत ही पास में पावरफुल देश है, बंद कर दे तो इधर इधर का व्यापार ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप ये चीज? तो अभी तो इसराइल वगैरह को आप देख ही रहे हो, युद्ध हो रहा है, वाटर जो वे है उस पर उसने कब्जा इसीलिए किया है कि कोई उसका रास्ता ना बंद कर दे, क्योंकि तो रास्ते जरूरी हैं, सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है। इसराइल को भी थोड़ा देख लेते हैं। आपको आप पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सारे कॉन्टिनेंट को एक साथ देखो। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और भारत एशिया में है, ये तो मालूम है। तो ये हो जाएगा आपका एशिया, इसी के बगल में है यूरोप, ठीक है, यूरोप रशिया का भी थोड़ा पार्ट आता है। उसके नीचे क्या है, अफ्रीका है, देखो आप यहाँ पे अफ्रीका है। इधर हो जाएगा साउथ अमेरिका, ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, राइट, ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ये हो जाएगा साउथ अमेरिका। अब आ जाते हैं ऊपर, ये क्या है, ग्रीनलैंड। ये देखो ये आर्कटिक ओशियन में आता है। नीचे का पार्ट जो है ये हो जाएगा अंटार्कटिका, बात समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका, दोनों में अंतर है। चीजों को समझना है आपको और एक बार पूरा वर्ल्ड दिमाग में होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आपने सुना होगा, आइलैंड कॉन्टिनेंट है, मतलब ये भी एक महादेश है, तो ये इस साइड में है। अब आपको मैंने एक दिन बताया था इंडिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, और अगर आप वेस्ट में जाओगे तो अरब सागर आएगा, अरब सागर के बाद अफ्रीका आएगा, अफ्रीका के बाद अटलांटिक ओशियन आएगा। अटलांटिक यहां पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले ये बेसिक चीज है, इसको दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, कल से हम अपने नियमित टाइम से अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, बाय फॉर नाउ।